जाने लगे हैं वहाँ पे, दूसरी तरफ सरप्राइज है, तो लेट्स सी, देखें वो कौन सा सरप्राइज। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, लेट मी शो यू नाउ। हमने अपने कैंप्स तो लगा दिए हैं, अब हम निकले हुए हैं वैसे ही थोड़ा बाहर घूमने फिरने के लिए, और वेदर है तो वो कहता है बस मैं ही हूँ, बारिश हो रही है बाहर। और अब पहले हम दो गाड़ियों में थे, अब हम सब एक गाड़ी में हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ग्रुप में हम 5 लोग आए हुए हैं, नहीं चल रहा, हम शॉप पे जा रहे हैं। वैसे हम सोच रहे हैं हम किसी एरिया में जाते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं जाके, लेकिन अभी हम बस सिंस दिस मॉर्निंग वी आर ड्राइविंग। यहाँ का एडवेंचर जोन है ना, वो ऐसा ही है, यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, बिकॉज़ ट्रिपल डब्ल्यू यहाँ के बहुत फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जिसमें आपका वेदर, वर्क और वुमेन किसी टाइम पे भी बदल सकते हैं। अच्छा, सो होप फॉर द बेस्ट, और अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह, रात यहाँ पे गुजारनी है, रात बाकी है, सो इंशाल्लाह हमारा ये टूर जो है अच्छा जाएगा इंशाल्लाह जी। जो सबसे ज्यादा आज जिस चीज ने हमें प्रॉब्लम में डाला है खाना पूरा दिन, वो बारिश थी। चलो जी चाय चढ़ाओ जी, पानी डाले, पानी डाले ताकि दूध सड़े ना, पानी डाले वहाँ से नया बोतल निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुबशर सिद्दीक। हाँ जी अब्बा जी, पत्ती कौन डालेगा? टैंड लगा सी टैग मरी गया यार फिर जी गाड़ी इधर आ गए भाई, इधर है भाई। मैं पहले भी सुन रहा हूं कि काफी किसी की आवाज नहीं आ रही है, किस चीज की आवाज है? मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो इस तरह जब लकड़ियां जलाती थी मेरी अम्मी, तो हम ऐसे जो है ना चूल्हे के पास बैठ के ऐसे फूंके मारते थे। जैसे हमारी मैंने आपको बताया बन रही है, यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी चल रही है, वहाँ पे पीछे दूसरे जो हजरात आए हुए हैं वो भी लगे हुए हैं अपने कामों में। मैंने भाई से रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये पहले भी इस तरह कैंपिंग करते रहे हैं। अभी लास्ट वीक ही वेल्स गए थे और वहाँ पे तकरीबन इन्होंने 3-4 दिन गुजारे हैं विद फैमिली, इज गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हमारा तो ये पहला कैंपिंग का एक्सपीरियंस है, बट सो फार इट्स रियली अमेजिंग अपार्ट फ्रॉम द रेन। मुझे बताइए कि आपका जो कैंपिंग का एक्सपीरियंस है वो कैसा, शौक कैसे पड़ा? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपको कैंपिंग का बचपन से शौक है कैंपिंग का? अच्छा बचपन से, इसका मतलब है जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे भी आप जाते हैं कैंपिंग करते हैं? अच्छा अच्छा, नारान का गान मरी हर जगह। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने घर से इंतहाई ज़बरदस्त और बड़ी नाइस और बड़ी डिलिशियस किस्म चिकन कढ़ाई बनवा के लाई थी, नान लाए थे, वो अभी हमने नोश किए हैं, अभी हमारे चाय का टाइम है, तो लेट्स गो एंड हैव अ कप ऑफ टी। सामने झील है और हरी भरी रोलिंग हिल्स हैं, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी देर सुकून के चंद लम्हे जो है ना बैठ के इंजॉय करते हैं। कि आप ऐसी जगह पे आएँ जो जगह आपको पसंद आए, या आपके लाइक माइंडेड लोग हों आपके साथ, आप उनके साथ बैठें, गप लगाएं, खाएं पिएं, चिल करें, इंजॉय करें, और अपनी ज़िंदगी भर की यादें अपने साथ समेट कर लें। रात के 10 बजे हैं और यहाँ पे बारबेक्यू पार्टी शुरू हो गई है। वो जनाब मिस्टर मोहम्मद फारूक साहब आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक जाने की वजह से फारूक की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, उन्होंने पैरासिटामोल की कुछ टैबलेट्स ली हैं, सो मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह इज गोना बी ओके इन अ बिट। अभी आप क्या क्या कर रहे हैं?
मैं जी शीशा पहा रहा हूँ। अच्छा। शीशे का कर रहे हैं प्रोग्राम। कौन सा फ्लेवर? इसमें हमने मिंट लेमन डाला, ब्लूबेरी और मिंट। देखें जी, देख के करें जरा, क्या कर रहे हैं। कैंपिंग का जो एक एक्सपीरियंस है ना, एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। आप यकीन करें कि मैंने सुना था कि कैंपिंग करते हुए बहुत मज़ा आता है और बंदा बहुत इन्जॉय करता है, लेकिन यकीन करें कि कभी मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस किया नहीं था। तो ये आज मेरा पहला एक्सपीरियंस है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो मैं सोचता हूँ कि जिसने कभी कैंपिंग नहीं की ना, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने ज़िंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं। तो कैंपिंग जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिले, आप जाएँ। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, एक इस काम के लिए एक चीज़ शर्त है, वो ये कि आप जिन लोगों के साथ जा रहे हैं वो भी इतने ही इन्जॉय करने वाले लोग हों। तो हमने कभी इससे पहले कैंपिंग की नहीं, लेकिन यकीन करें कि अभी तक जो कुछ भी आया ना, अपार्ट फ्रॉम द रेन, बेस्ट हुआ। आप यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इसमें कितना एक वो देखिए, वो कैंप की तरफ गई आग। अब देखना है आपने कि दो तीन दफ़ा मैंने नोटिस किया कि यहाँ से आग उड़ के उधर जा रही है। तो एक दफ़ा आग इनको पड़ गई ना, तो फर्क नहीं, टिशू नहीं फेंकना ना। वैसे भी आपको पता है कि हवा उस तरफ की है ना, नहीं टिशू नहीं फेंके, वो टिशू गया, टिशू नहीं फेंकना, और दूसरा हवा उस तरफ की है, जिसकी वजह से वैसे कुछ नहीं होता, वैसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन टिशू डेंजरस है, टिशू डेंजरस है, टिशू की वजह से हुआ ये सारा। टिशू उड़ के जाता है, प्लस हल्के हल्के छोटे छोटे ये जो नहीं है ज़रात, वो भी उड़ के जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा किया है, इससे पहले कि ये मेरे ऊपर ना गिर जाए। बाकी खैर है भाई जान, ये मेरे ऊपर ना गिर जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए ऊपर, अब ज़रा असेंबल कर लें, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक टेबल इधर ना रख लें, दूसरा टेबल गाड़ी में पड़ा हाँ। बैठने के लिए वो एक गाड़ी में पड़ा पीछे, बल्कि यहाँ तो उसकी लंबाई पका रहा हूँ ना, उसे थल्ला ही रख के दे, मुझे लंबा पा के आपको ऊपर उठा दें। नहीं वो नहीं, एक लो काम करें साथ साथ इसको, आपने इसके साथ थोड़ी सी हवा देने इसको प्लीज, अगर आप माइंड ना करें। क्यों माइंड करें? क्योंकि फूलों को पता है, खबरदार देखा है ना, उसमें एक बार्बर वाला होता है, वो दिखाते हैं ठीक है, अंदर नाला होता है एक बंदा, यार पानी तो दही, साबुन तो दही, रेंश तो दही। फारूक जो है ना अपने मौज मस्ती में। अच्छा, इसका कुकिंग टाइम कितना है ईशा जी? इसका भी क्योंकि इसकी मेरे ख्याल में गलावट ज़्यादा होगी, गला होगा क्योंकि काफ़ी देर से ये मैरिनेट हुआ हुआ। अच्छा अच्छा, ये है क्या, मीट है या चिकन है? मीट है, ये मीट इस टाइम समझे मक्खन है, मक्खन। अच्छा हाँ, ये बस लगेगा और ये टना टन जम सा ना, ऐसे काम हो जाएगा। फारूक ले लो, ये चेंज करें, ये वो कह रहा मैंने नहीं खाना, ये चेंज करें, दे दे मुझे। पार्टी अभी जोरों शोरों से जारी है, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। इन लोगों ने जो मिसालें बनाए हैं, जो इस तरह मैरिनेट किया है, वन ऑफ द बेस्ट वन, बिलीव मी, इतना नाइस और इतना प्यारा इनका टेस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं। थोड़ा नज़दीक लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि
कैसा चल रहा है इसने तो मैं मारना पे वो उधर से निकालो और दे दे सब प्लेट ये दो है ना ये दो है सही ना खुदा दे बंदे पकड़ी लाने ने कितने खाने ने चुन दे मैं खा रहा हूं इधर पकड़ो इधर पकड़ो इधर 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 जी तो शाह साहब जी जी जनाब बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा मैं कहता हूं वंडरफुल बहुत मजा आ रहा है कमाल का जो सा गोश इस टाइम गल चुका है कमाल के मसाले रख दो तीन मैरिनेशन है अच्छा अब मैं लगाऊंगा ऐसा करें ना और नीचे रख के ऊपर चटनी ऊपर रख देना और लगाऊं ये बस लगाएं ना जी लाओ ना आ जाओ इधर आ जाओ ठीक है इस पे लगाना है बिस्मिल्लाह करें पतलियां ते लाओ पतलियां ते लाओ तिरछियां करके बहुत ही जबरदस्त उसके बाद आप इसको रख दें ठंडी कोक है इस हमने देखे आप कहते हैं प्रॉपर जो है ना अभी यक किस्म की ऐसा फ्रीजर से निकाली है ये हमारा जो कूलर है वो काम दे गया सही बात है हमने आइस डाली थी हाँ जी उसने जो है ना इसको काफ़ी जो है ना कूल कर दिया ड्रिंक सही चिल है इस टाइम चिल्ड ड्रिंक है चिल्ड ये आप भी लेना सर हम चार पाँच खाएंगे रुक मेरे लिए एक एक स्क्वायर मेरे लिए तैयार करो प्लीज थोड़ा ओवर डन करना है ठीक है थोड़ा वेल डन करना है एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा था यकीन करें मेरा खुद अपनी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है और मैं यकीन नहीं कर सकता आप तो काफी डिसाइड भी हो गए थे बीच में जिसमें बारिश हो रही थी काफी रोना मैं इतना हार्ड हो गया आपको कह रहा था बी ऑप्टिमिस्टिक भाई वही ना अल्लाह पे यकीन रखें इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा एमरजेंसी सर्विसेज आई हैं अंदर भी आप देख लें भी पाकिस्तान की आवाज आ रही है ट्रक की स्कीम क्यों चाहिए हमें मास्क मैं भी उतार देता हूं अगर वो माइंड कर जाएंगे तो फिर पहन लेंगे